डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम जुडिशियरी लेसन जो कि आपने पढ़ा है, आज हम इसके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं आज हम वही हल करने की कोशिश करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपना रफ और कलम निकालिए और इन सवालात के जवाबात अपने अपनी कापियों पर कलमबद्ध कीजिए। तो मैं पहला सवाल पढ़ूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई यू रीड दैट वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी इज upholding the law and enforcing fundamental rights. What do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function? यानी आपको लिखना है कि क्या judiciary में या क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी ज़रूरी है, यानी ये फंक्शन जो है क्या इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका जवाब लिखिए। एन इंडिपेंडेंट judiciary is necessary to carry out this important function because it is an important organ of the government. It should be efficient, honest in giving its judgment. It should be free from outside control of the legislature. The life and liberty of each individual is not safe without independent judiciary. Now, question number two is, read the list of fundamental rights provided in chapter 1. How do you think the right to constitutional remedies connects to the idea of the judicial review? तो आपने पहले लेसन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में अपने अपने उस्तादों से पढ़ा है, क्योंकि उस वक्त स्कूल खुले थे, या आपने ये लेसन विंटर वैकेशन में भी पढ़ा होगा, तो इसलिए इसने यहाँ लिखा है रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी जो पहले चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स के जो लिस्ट है, यानी राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, तो इसके बारे में आपने पढ़े हैं। अब आपको लिखना है, हाउ डू यू थिंक द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडाइज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो आपको ये लिखना है कि कैसे जो जुडिशियल रिव्यू है, यहाँ ये फंडामेंटल राइट जो है, तो इसका कनेक्ट जुडिशियल रिव्यू के साथ किस तरह है। ठीक है, तो आपका जवाब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मेक द सुप्रीम कोर्ट द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। राइट of the people have no meaning
विदाउट जुडिशरी। इसका जवाब है, मुख्तसर जवाब है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मेक द सुप्रीम कोर्ट द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। राइट ऑफ द पीपल हैव नो मीनिंग विदाउट जुडिशरी, यानी जब तक जुडिशरी न हो तो लोगों के जो हुकूक हैं वो सैफ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन फिल इन ईच टायर विद द जजमेंट गिवन बाय द वेरियस कोर्ट्स इन द सुदा गोल केस, चक यूअर रेस्पॉन्स विद अदर्स इन कलॉस। तो एक शक्ल है आपके सामने, एक ट्रायंगल है, इसमें ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, बीच में हाई कोर्ट है और लास्ट पे लोअर कोर्ट है। तो आपको देखना है कि कौन सा कोर्ट किस तरह की जजमेंट देता है, यानी जो लोअर कोर्ट है इसके बाद हाई कोर्ट है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका आप आंसर लिखिए, पहला आता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट होता है मुल्क में। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड द केस गिल्टी बट इक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष सुदा ड्यू टू अ लैक ऑफ एविडेंस। लक्ष्मण एंड हिज मदर वायर सेंट टू जेल फॉर लाइफ। यानी आप लेसन में है ये कि जो द सुप्रीम कोर्ट फाउंड द केस गिल्टी बट इक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि जो ब्रदर इन लॉ था सुभाष सिद्धू का, तो एविडेंस जो है, जो शहादतें हैं वो बहुत कम थी, इसलिए लक्ष्मण और इसकी मां को जेल भेज दिया गया, यानी उम्र भर के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड द केस गिल्टी बट इक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। लक्ष्मण एंड हिज मदर वायर सेंट टू जेल फॉर लाइफ। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब देखना है कि हाई कोर्ट का फैसला क्या है। द हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट सुदा हैज डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर कॉज्ड बाय द केरोसिन ऑयल। द हाई कोर्ट इक्विटेड लक्ष्मण शकुंतला एंड सुभाष। ये हाई कोर्ट का फैसला है कि उन्होंने कहा कि जो सुभाष जो सुधा है वो हादसे की तौर मर गया। और लोअर कोर्ट का देखिए, लोअर कोर्ट द लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट सेंटेंसेड ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ। अब आपको यह अंदाजा लग गया है कि हर एक कोर्ट का फैसला अलग अलग है। लोअर कोर्ट जो होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है या तहसील लेवल पर होता है, तो उन्होंने तीनों जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने तीनों को सजाए मौत दी है। फिर जब ये केस हाई कोर्ट तक पहुंचा है तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो ये हादसा ये मौत था, ये हादसाती तौर था। तो उन्होंने तो हाई कोर्ट जो है एक इक्विटेड लक्ष्मण शकुंतला एंड सुभाष, और इसके बाद जो
सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो उन्होंने उनको उम्र भर के लिए सजा दी है। तो ये तीनों का अलग अलग जो जजमेंट था उन्होंने दिया। ये जुडिशरी, यही जुडिशरी होती है कि लावर कोर्ट ने सजाए मौत दी, हाई कोर्ट ने उनको बरी किया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने उनको उम्र भर कैद सजा सुनाई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन है कीपिंग द सुधा गोल केस इन माइंड। ये आपने ये भी पढ़ा है कि सुधा का जो ये केस था ये आपको जहन नशीन में रखना है। टेक द सेंटेंस दैट आर ट्रू एंड करेक्ट द वन दैट आर फॉल्स। तो उनमें आपको देखना है कि ट्रू क्या है और गलत जो है गलत है और जो फॉल्स है उसको ठीक करना है। तो पहला है, फर्स्ट मैं पढ़ता हूं, द एक्यूज्ड टूक द केस टू द हाई कोर्ट बिकॉज दे वायर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ ट्रायल कोर्ट। यानी सबसे पहले उन्होंने इस केस को लावर कोर्ट में ले लिया लेकिन लावर कोर्ट ने उनको सजाई मौत दी है, फिर उन्होंने ये केस हाई कोर्ट में ले लिया। तो आपको बताना है क्या ये ठीक है कि जो सुधा गोल केस है तो उन्होंने केस को, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से मुतमिन नहीं थे तो उन्होंने इस केस को हाई कोर्ट में ले लिया। इज इट ट्रू आर फॉल्स डियर स्टूडेंट्स, इट इज ट्रू, ये सही है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उनको सजाए मौत सुनाई है तो उन्होंने इस केस को फिर हाई कोर्ट में ले लिया, इसलिए ये ट्रू है। अब बी पार्ट है, दे वेंट टू द हाई कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। तो आपको बताना है कि दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है कि वो हाई कोर्ट में गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको फैसला सुनाया। आप जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट के बाद ये कहां गए, हाई कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन यहां ये लिखता है कि नहीं, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हाई कोर्ट में गए, इट इज फॉल्स, ये बिल्कुल फॉल्स है। तो इसका सही क्या आपको लिखना है, दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द हाई कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। ठीक है, यानी जब हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गई। ठीक है, तो जब इस स्टेटमेंट को आप ठीक लिखेंगे तो आप इसको ऐसे ठीक कह रहे हैं कि दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द हाई कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। अब सी पार्ट जो है वो है, इफ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट एवरीडिक द एक्यूज्ड कैन गो बैक अगेन टू द ट्रायल कोर्ट। अब सी पार्ट तीसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर जो सुधा गोल केस है अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमिन नहीं है तो वो फिर अगेन लावर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। क्या ये सही है, नहीं, इट इज फॉल्स, क्योंकि लावर कोर्ट ने पहले ही फैसला सुनाया। तो आप इसको फॉल्स लिखिए सी पार्ट, इफ दे डू नॉट लाइक सुप्रीम कोर्ट वेरिडिक द एक्यूज्ड कैन गो बैक टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बाद अपील जो है यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है
और अगर कोई इस फैसले से मुतमिन नहीं है तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री जो होता है वो वहां अपील कर सकता है, न कि वो फिर वापस ट्रायल कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो अपील होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, तो इसलिए इसका सही है कि दे कैन गो बैक टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो वहां ये अपील कर सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो हो सकता है कि वो वहां इनके हक में भी फैसला दे सकता है और इनके खिलाफ भी फैसला दे सकता है। यानी कि जैसा मैं आपको इस तरह समझाऊं कि जब किसी को फांसी की सजा होती है, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ कश्मीर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सजाए मौत दी गई है, वो आपने सुना होगा अफजल गुरु का नाम, प्यारे बच्चों आपने सुना होगा कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत का सजा सुनाया, तो उसके बाद उन्होंने अपील प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को की है, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। इसी तरह जो उधर हिंदुस्तान में वो पिछले साल आपने सुना होगा कि वहाँ वो एक लड़की के साथ तीन जवानों ने गलत काम किया, तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को सजाए मौत सुनाई, तो इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील की है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स कि आपको समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कोई फैसला टाल सकता है वो सिर्फ मुल्क का सदर ही टाल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही चार ही सवाल करेंगे, क्योंकि इसमें तकरीबन 8-9 सवाल हैं, तो आज हमने 4 सवालों का जवाब लिख लिए, तो इनको अपने अपने कापी पर कलम बंद करना, तो इंशाल्लाह कल हम मज़ीद 4-5 सवाल लिखेंगे। तो आज इतना ही है, खुदा हाफिज़।